औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर करतुलैन तसव्वुर, और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूं, अहलन व सहलन से सामदीद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप लोगों को आगे भी खैर आफियत से ही रखे जी। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ आप लोगों के लिए लाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन। आज भी हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आप लोगों को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स भी देंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें भी बताएंगे। सबसे पहले बताते चलूं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है वेट लॉस अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान। अगर मैं इसको उर्दू में बताऊं तो ये कुछ यूं बनता है कि पाकिस्तान में वजन में कमी की तफहीम। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी बारे में। वेट लॉस का तो शौक बहुत से लोगों को होता है, और इसी सिलसिले में लोग बहुत सी कोशिशों में लगे रहते हैं। कभी इंटरनेट से कोई डाइट चार्ट देख रहे हैं, कभी कोई एक्सरसाइज प्लान देख रहे हैं, और बस इसी कोशिश में रहते हैं किसी तरह से हम लोगों की एक स्लिम और फिट जो है ना बॉडी बन जाए। इस बारे में हम डिटेल से अपने गेस्ट से आज बात करेंगे कि क्या वेट लॉस के नुकसान हो सकते हैं, फवायद हो सकते हैं, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाते चलो। उनका नाम है वहाज भट्टी। इन्होंने बीएस ऑनर्स किया है स्पोर्ट्स साइंसेज में, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी में और न्यूट्रिशन में बहुत सी सर्टिफिकेशन भी हासिल की हैं। ये फिटनेस एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा जो हैं एक्सपर्ट हैं वेट लॉस में और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, एक्सपर्ट इन क्रॉसफिट ट्रेनिंग एंड वेट मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम वहाज, कैसे हैं आप एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम वालेकुम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जी वहाज, तो हम अपने टॉपिक को अभी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि जो हमारा टॉपिक है, पहले इसे कि आप इसको एलैबोरेट करें। सबसे पहले आप ये बताएं कि वेट लॉस, अगर हम टर्म की बात करें तो ये क्या है, वेट लॉस बेसिकली है क्या? देखिए वेट लॉस है ये करीब तीन चीज़ों का इसमें कंट्रीब्यूशन। एक आपका है इसमें, दूसरी आपकी प्रोटीन है, और आपकी आपकी औसत लॉस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर जरूरत है कि पाकिस्तान में वेट हेल्दी कंसिडर है। डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। सो वेट लॉस को मैं फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया लॉस में तीन चीज़ें होती हैं। आपका फैट भी ड्रॉप होता है, इसके साथ साथ आपका वाटर लॉस और मसल विच इज़ नॉट। ऑन दी अदर हैंड जो आपका फैट लॉस है उसमें प्योरली आपकी फैट परसेंटेज कम होती है, लेकिन मसल मास परसेंटेज जो परसेंटेज है प्रूव। तो दैट्स ऑल। जो वेट लॉस उसमें आपकी बॉडी में तीन चीज़ों की कमी है, उसमें प्रोटीन भी है फैट और वाटर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं वेट लॉस के बारे में जो टर्म है इसको डिफाइन किया। और अब मैं चाहूँगी कि हमने टॉपिक को हम जो हमारा आज का टॉपिक है वेट लॉस अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान, तो हम इसके बारे में ज़रा बात कर लें। आप इस टॉपिक को एलैबोरेट काइंडली करें कि ये है क्या, इस टॉपिक को आप किस तरह से एलैबोरेट करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे ये 20th सेंचुरी में आज के लाइफस्टाइल में एक बहुत चेंज है। हमारा मोड ऑफ ट्रेवल भी किया, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो गई, और हमारी वर्क रूटीन्स चेंज हो गई, जिसकी वजह से ओबेसिटी और जैसी बीमारियाँ और कनेक्टेड डिजीजेज वो होना शुरू हुई। उसमें ओबेसिटी का है वो एक बड़ी खातर तो उसके लिए लोगों ने बहुत सारी एफर्ट्स किया। इस सिलसिले में लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, और जब डेस्परेट होते हैं फिर वो कुछ भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होती हैं। सो वेट लॉस उन गलतियों में से एक गलती है। जैसे मैंने अप्लेन किया कि वेट लॉस और फैट लॉस में कन्फ्यूजन क्रिएट करें, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे डिफरेंस बता देता हूँ। जब आप वेट जाते हैं लॉस में, आज में आपकी फिटनेस लेवल डिक्रीज होता है, आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज होती है। बॉडी में जो किसी भी काम को करने की जो परफॉर्मेंस होती है। अब अर्ली एजिंग फैक्टर का जो एजिंग फैक्टर है हल्दी आना शुरू हो जाता है अगर आप वेट लॉस की तरफ जाते हैं, और वाटर लेवल की मिकदार अच्छी चाहिए, फैट कम चाहिए।
जबकि वेट तीनों चीजें होती हैं, और इस सिलसिले में फिर लोग डाइटिंग है डाइटिंग की तरफ जाते हैं, जबकि डाइटिंग इसका हल नहीं है। जब आप किसी भी जिम में जब ट्रेनर्स को जो आपको जो देखिए वो रोटी भी बनती भी बंद कर देती है, भी बंद कर भी बंद कर देती है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू आज, एक्चुअली हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके साइड से एकोइंग बहुत हो रही है, तो अगर आप मतलब बजाय ब्लूटूथ के अगर हैंड्स फ्री हैं तो काइंडली वो यूज़ कर लें, ताकि हमारी ऑडियंस है उसको मजीद इंटरेस्टिंग वे में सुन सके। एक्चुअली इस वक्त जो मेरे पास ऑप्शन है वो ये इसकी आईपीसी वजह की आवाज़ की इसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर है कि बेहतर है, क्योंकि जब लास्टिंग सेशन था उसमें थोड़ी डिफरेंट ऑप्शन थी तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि लाउड स्पीक करूँ उसमें। आप मुझे गाइड कर दीजिएगा कि आपको आवाज़ सही है नहीं आ रही। जी यहाँ पे हमारे पास वैसे एकोइंग की आ रही थी कि उन लोगों की तरफ जो है वो एकोइंग हो रही है। आप एक दफ़ा दोबारा से बोल के दिखाइए, अपनी बात कंटिन्यू करें। जी उसमें हम ये कर लीजिए, आप जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो आप कर लीजिएगा, जिस वक्त आप बोल रही थी मैं अपना माइक ऑफ कर दूँ। जी तो मैं अपनी बात को कि जब आप फैट लॉस करते हैं तो फैट लॉस में एक तरह की इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में फैट की डेपोजिशन होती है। फिर इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है बॉडी की, आपकी जो सिस्टम है बॉडी के, वो प्रॉपरली काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर आपकी जब आप प्रोटीन कम नहीं मसल मैस परसेंटेज कम नहीं होगी तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डिवेलप होगी। सबके साथ लाती जो वो लाइटनेस इंक्रीज होती है। तो मेरा लोगों को मशवरा है कि बजाय इसके वेट लॉस की तरफ जाएं, वो फैट लॉस करें एक्सरसाइज करते हुए या करते हुए इस ख्याल कि आया कहीं पे उनकी बॉडी फैट की जो मसल मास परसेंटेज और जो है कि वो लग रहा है। इन दोनों चीज़ों को करना बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहाज। और मैं यहाँ पे चाहूँगी कि हम अपने व्यूअर्स को भी इस सेशन में कहें कि वो इस सेशन को मज़ीद इंटरेक्टिव बनाएं अपने कमेंट्स के साथ। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं जो आप हमारे आते कैसे करना चाहते हैं, तो वो तमाम सवाल आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपके तमाम सवालों के जवाब हम अपने कैसे ले सकें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन हैं जिन पर हम इन फ्यूचर कोई मतलब कोई टॉपिक्स आप लोग अगर सजेस्ट करना चाहें जिन पर हम इन फ्यूचर कोई सेशन रख सकें, तो आप हमें ज़रूर बताएँ कमेंट करके, ताकि हम नेक्स्ट उन पर कोई सेशन प्लान कर सकें। जी तो अब मैं आपसे पूछूंगी आज कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है आपसे कि हम वेट लॉस की बात तो करते हैं, लेकिन ये होता कैसे है, मतलब इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए। जी जैसे आपके अंदर ना फैट के डिपॉजिट्स होते हैं, रूटीन की फैट में फैट की स्टोरेजेस होती है, पॉकेट में फैट स्टोर होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो करने से फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी बॉडी जो फैट होती है एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर। इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल ट्रे रहे हैं या वॉक कर रहे हैं ओपन एयर में किसी पार्क के लिए, तो आपकी बॉडी को चले एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब क्लॉस में ये होता है कि आपकी बॉडी जो फैट आपकी बोर हुआ होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है, सुबह साइज करने से इस तरह से आपके बॉडी से जो फैट डिपॉजिट्स है वो रिमूव होना शुरू होता है, तो फैट पॉकेट्स हैं वो खत्म होना शुरू होती है। इस तरह से आपके जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और मीनवाइल क्योंकि आज के टॉपिक में टॉपिक कन्फ्यूजन फैट लॉस की और वेट लॉस। ऑन दी अदर हैंड वेट लॉस में जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आप इनफ डाइट नहीं लेते या जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी से फैट तो रिमूव होता है। इन सब के साथ आपके साथ थोड़ी थोड़ी मिकदार प्रोटीन की मसल के साथ वाटर की वो भी रिड्यूस होती है। बहुत शुक्रिया आपका आज। यहाँ पे अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी क्वेश्चन भेजे चलेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं। वैसे तो हमारा टॉपिक जो है वो वेट लॉस पे है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है वसीम पूछ रहे हैं कि एंड हाउ टू गेन वेट, तो इसके बारे में अगर आप ब्रीफली कुछ बताना चाहें तो।
जी बिल्कुल, ये इसके बिल्कुल आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कस के बिल्कुल उसके बिल्कुल चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर ही हम बात कर सकते हैं। जिन लोगों ने वेट किया है तो ये चीज़ देखने की जरूरत है कि इनफ कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, एक तो पहला जो सजेशन है वो टेंग राइट टाइम, सही वक्त पे सही खाना, वेट गेन कैसे आसान तरीके कर आप अपने दूध से मीट्स को आप छोटे छोटे पोर्शंस में, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसमें प्रोटीन का कंटेंट भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें आपकी चावल या ब्रेड या इस तरह की जो आइटम्स हैं इन करें, दो तीन घंटे बाद फिर कोई फ्रूट्स का इंटेक कर लें, घंटे बाद आप कुछ ना कुछ इंटेक करें, ट्राई करें और अपने जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट के कस्में सुबह के नाश्ते का, दोपहर के खाने का, रात के खाने का, ये सब भी उसका कंसेप्ट है। जबकि आपने अगर वेट गेन तो आपने इन क्वेश्चन को भी कर देना है और इनके साथ और इनके हेडअप करके थ्री की बजाय इसको 5-5 मिनट्स के ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से योगा कि आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज मिलना शुरू हो जाएंगी और आपकी बॉडी में स्टोरेज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब राइट फूड, राइट टाइम तो मैंने आपको इसमें बता दी। राइट फूड का ये है कि आप खाते क्या है, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे आजकल जो यंग जनरेशन है फूड का बहुत ज़्यादा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि वो फास्ट फूड को रिप्लेस करें प्रोटीन के साथ। बस बाजी में बहुत अच्छी, अगर आपको बाहर से भी खाने का अदरवाइज आप इसमें वाइट्स हैं और फिर इसके अलावा आपने आप चिकन सैलड का बाइट ले सकते हैं, उसमें कुछ पोर्शन चिकन का हो, कुछ कॉर्नस हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना शुरू होगी। तो और इसके साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जो भी चीज़ आप इंटेक कर वो उसको ब्लड आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चीज इंटेक करके तो कैरी करता है। तो आप एक्सरसाइज करेंगे सर्कुलेशन बॉडी में अच्छी हो जाती है, सर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी, सारी बॉडी पार्ट्स को कितना मिनट आपकी बॉडी ग्रो करना शुरू कर देती है, अपना वेट गेन। बहुत शुक्रिया आपका। आज मुझे उम्मीद है कि वसीम को उनके सवाल का जवाब बहुत डिटेल से मिल चुका है और वो इससे सेटिस्फाई हो चुके होंगे। इसके साथ ही मैं अपने सवाल की तरफ आना चाहूँगी वापस। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वेट लॉस स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि पहले हफ्ते में तो बहुत जल्दी से रिजल्ट उनको शो हो गए, उसके बाद वो देखते हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, 2 हफ्ते गुजरे 3 हफ्ते गुजरे और फिर वैसे के वैसे उन्हें लगता है कि शायद बस वही जो 1 हफ्ते में था वही हुआ है वेट लॉस और वहीं पर रुक गया है, तो वो मतलब बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि बॉडी पहले तो अंडरस्टैंड अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तीन तरह की बॉडी टाइप्स होती है। एक एक्टोमॉर्फ्स होते हैं जो लिटिल मस्कुलर होता है, कॉन्टेंट बॉडी में बड़ा लिमिटेड होता है। फिर मीजोमॉर्फ्स होते हैं जो मिड कैटेगरी के लोग थोड़े मस्कुलर होता है। फिर एंडोमॉर्फ्स होते हैं जिनमें जो मोटापे का शिकार होते हैं, इसको हमें जो हम जो हवा भी खाते तो उन्हें लग जाती है। ठीक है, वो कैटेगरी है। डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपनी बॉडी को डिफाइन करें, फिर हर बॉडी का एक्सरसाइज डिफरेंस। ये जो आप बात करिए कि फर्स्ट वीक में या थोड़ा दिन कम से वेट लॉस है और उसके बाद वो एक्चुअली वेट लॉस नहीं हो, वो वाटर लॉस होता है। आपकी बॉडी से तो सबसे इजीली डिप्लीट होने वाली चीज़ है वो वाटर। ठीक है, तो जो टेंट आपकी बॉडी से होता है तो वो वेट स्केल के ऊपर जब आप उसको चेक तो वो आप 1 kg तक कम शो कर रहा होता है, सबको लगता है कि शायद उस कम हो गया या फैट कम हो गया। रिडक्शन होती है जो मैं पीछे को कह सकती हूँ कि हेल्दी उसके साइड इफेक्ट्स हो। किसी भी आप जैसे भी जाएँ तो आप कोशिश करें कोई ऐसा जिम जो अपनी फैट परसेंटेज रख सकते हो, आपकी बॉडी में फैट भी नहीं। जितने जिम्स हैं लाहौर में थ्रू आउट में फैट इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, वो फैट टेस्ट करनी है जिसमें उनकी फैट परसेंटेज डिफाइन होती है, फोकस करना चाहिए।
जैसा बॉडी टाइप फर्क पड़ता है, कि उसकी बॉडी में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स और बाद में थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। तो इंसिडेंट चीज़ें क्या है, उसमें फैट परसेंट कम हुई थी, क्या कहीं वाटर लॉस तो नहीं हुआ? कुछ की बॉडी स्टार्ट में बड़ा स्लो बूस्ट देती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पेस पर कर लेती हैं। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मली यहाँ पे जिम जाती है, वजन कम करती है, तो वो ओवर द नाइट उनको कम से कम 2 से 3 साल 4 साल लग जाते हैं अपनी बॉडी को स्लेडेशन में ले जाने के लिए, मोटापे का शिकार हो। सो उनको ये चीज़ समझ है कि ये नाइट नहीं होगा। कम से कम 5-6 महीने 7-8 महीने लगते हैं, आपने 2-3 साल करने में लगाए हैं, कम से कम 5-6 ग्राम्स उसको रिड्यूस करने के लिए दें, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ प्रोसेस कम हो जाता है, कुछ में अच्छा रिजल्ट मिलता है, स्टार्टिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। सो इसमें हार्ड होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू और रेगुलर करते हैं, ऐसा ऐसा अपनी रूटीन फॉलो करें। और मेरी रिक्वेस्ट है, हम जिम्स पर अपना टाइम गुजारते हैं, हर एक बार प्लीज डेली बेसिस पे वेट स्केल को चेक करना और देखें, उसमें वेरिएशन आना, उसमें रिजल्ट्स का ऊपर नीचे ज़्यादा है। इसकी एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल अभी मेरा राइट ना होगा फॉर बॉडी वेट 70 है, अगर 2-5 जब वेट स्केल के ऊपर जाऊँगा तो मेरा 7.5 kg शो कर। सो उसमें मेरे डिसहार्ट हो जाए, तो वो ये है कि आप अपने आप को समझाएं कि आपने 18 days, 1 month के बाद अपना ग्रोथ चेक करना है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हमारे पास और भी कमेंट्स हैं, एक कमेंट हमारे पास है मोहम्मद उमर का, मैं शेयर करना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि मेरी एज 32 है और हाइट 5.6 है, नॉर्मली कितना वेट होना चाहिए? देखिए, इनकी एज के साथ हाइट है, सो इनको तकरीबन 63 kg के दरमियान में इनकी अप्रोच इनकी 65 kg में अब कुछ 70 तक जो है वो आइडियल वेट है, मतलब इस कैलर में अगर मेरी तो वो उनकी ओबेसिटी नहीं होगी, वो सेफ जोन में रहेंगे। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करें तो 65 kg जो है वो अच्छा। वैसे हमारे पास अगर थैंक यू सो मच वाज, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी मोहम्मद उमर को कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छे से मिल गया होगा। वहाज में ये कह रही थी कि हमारे पास ये ट्रेंड नहीं है कि हम लोग तो अगर मतलब अगर वेट लॉस करना है तो आप बीइंग अ ट्रेनर देखते होंगे बॉडी मास इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंगली आप इनको ट्रेनिंग करवाते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो वो ट्रेंड बिल्कुल है ही नहीं। मतलब अगर कोई ओबीज भी है ना तो वो कहता है नहीं मैं हेल्दी हूँ बस ठीक हूँ, मतलब ओवर वेट नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई अंडरवेट है तो उसको होता है कि नहीं अंडरवेट नहीं बस ठीक हूँ, तो इनको एक्जेक्ट वेट का भी नहीं पता होता। तो आप क्या कहेंगे इनको, क्योंकि अब तो हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, अगर हम बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं उसका कैलकुलेटर भी मौजूद है इंटरनेट पे, तो आप क्या सजेस्ट करें कि इन लोगों को देखना चाहिए और वहाँ पे करना चाहिए अपने आप को ताकि पता चले कि वाकई नॉर्मल पे लाइक कर रहे हैं या फिर अंडरवेट या ओवरवेट तो नहीं है? जी बिल्कुल, मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन जो बच्चे भी हैं ये अपना बहुत सारा वक्त जो है टाइम अपना लगा इंटरनेट सर्फिंग यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर जो सोशल प्लेटफॉर्म। सो मैं हर पसंद करता हूँ कि आप एटलीस्ट 2-5 मिनट डेली के या वीकली बेसिस पे 5 मिनट जो हैं वो अपनी फिटनेस इंफॉर्मेशन के ऊपर या इस अवेयरनेस के ऊपर जो है वीडियोस सेशन आर्टिकल्स पढ़ा करें, सो दैट आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। जब आप अपनी अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो फिर आपको शुरू हो जाता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, आप कितनी होनी चाहिए। It's all about अवेयरनेस। फिर इस सिलसिले में मैं इंस्टीट्यूट्स में कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के या फिटनेस के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। सो इसलिए अपने स्टूडेंट्स को आप हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेकर आए, उनको इस पर इंकरेज करें कि आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप उसको गेन करें ताकि उसकी वजह से लाइफ स्टाइल बेहतर होगी, वो अपनी लाइफ में जो लाइफ परफॉर्म है।
हर बंदे अपने लिए बीच पे या डेली बेसिस पे अपनी अपनी एज पर कन्वीनियंट 5-10 मिनट अपनी बॉडी को करने के लिए नॉलेज गेन करने के लिए 10 मिनट सोशल मीडिया के ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जिसमें BMI या एक्स है आप वो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है। अगर आप डाइट करते हैं तो उसके लिए बेजर मेटाबॉलिक रेट आपके पास इस तरह से और आप भी अपडेट रहते हैं, आपको पता चले आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। बहुत शुक्रिया आपका आवाज। और हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं कि बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा है आपके एंड पे, तो उसका काइंडली आप थोड़ा लाउड बोलें ताकि उनको पता चल सके ऑडियंस को। और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी तरफ वो ये है कि अगर हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो बात हमने कर ली कि अगर आपने स्लिम और फिट रहना है तो आप इन इन तरीकों से वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन क्या जैसे हम बात करते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसी तरह से हर चीज़ के कुछ फ़वाद होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं, तो पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि वेट लॉस के फवायद क्या हो सकते हैं और साथ ही नुकसानात भी हाईलाइट करें, अगर हम जनरल बेनिफिट्स और जो है इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। जी, कलेक्टिवली जो वेट टर्म है इसके बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन अगर आप तो उसके बेनिफिट्स मैंने आपको पहले बताया कि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उस एक्टिवली वेट लॉस नहीं है, क्योंकि वेट लॉस में आपका मसल लॉस भी है, वाटर लॉस, जब आप ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी से डेप्रिशिएट होती हैं उसमें आपकी फिटनेस लेवल जो है वो होता है आपकी स्ट्रेंथ होती है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सीबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, आपसे इम्यून सिस्टम जो कुत मुदाफत है वो आपकी कमज़ोर होती है। लेकिन अगर आप वेट लॉस की टर्म फैट लॉस को कंसिडर करें कि आपकी बॉडी में बड़े बेहतर असरात बेनिफिट्स ही हैं, जिसमें आपका आपका एजिंग फैक्टर आपका रिड्यूस हो जाता है, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ लेवल है वो भी कर जाता है, आप ओवरऑल फिटनेस सब इम्प्रूव कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, जब मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं जो आप हमारे गेस्ट से करना चाहते हैं तो आप हमें लाजमी कमेंट करके बताएं, ताकि आपके तमाम सवालों के जवाब अपने गेस्ट से हम ले सकें। इसके साथ साथ अगर कोई टॉपिक्स हैं जो आप हमें बताना चाह रहे हैं जिससे हम इन फ्यूचर सेशन रखें, तो वो टॉपिक्स भी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, मैं वो लेती चलूँ। वहाँ जहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन था बेली फैट के बारे में, जस्ट अ सेकंड। जी, हम लोग अब देखें अगर तो आजकल लोगों को मोस्टली होता है कि बाकी वेट का तो इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन बेली फैट पे बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी अभी इन भाई का भी क्वेश्चन है, आसिफ नाम है इनका, और ये कह रहे हैं कि हाउ टू रिड्यूस आवर बेली फैट, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। सबसे पहली बात ये की बात बेली फैट आता कैसे है, जो प्रॉब्लम है उसकी एक बहुत बड़ी, देखें हमारे कॉमन प्रैक्टिस है, ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि लोग सुबह नाश्ता बहुत लाइट सा करते हैं, सारा दिन एक दिन देखते और रात का जो सोने से करने से पहले तो ले लेते हैं, या उसमें अपनी डाइट। देखिए, बॉडी का जो सिस्टम है उसको भी अपनी वर्किंग के लिए, जो आपका हजम करने का अमल है, उसी आपकी स्टमक को एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी का सोर्स आपकी बॉडी से लाइट है। तो अगर आप इनफ कैलोरीज इनटेक नहीं कर, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फूड को डाइजेस्ट करें। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने थोड़ा सा भी फूड इनटेक ज़्यादा है तो डाइजेस्टिव कैपेसिटी के फूड को डाइजेस्ट, जो बाकी का होगा वो अनफूड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर होना शुरू। सो शायद ये है,
फिर दूसरी वजह ये हमारे यहाँ पे थोड़े से पाके बाद के बाद है पहले की है, क्योंकि जब आप खाने बाद तो अभी खाना आपके और पानी का इंटर तो वो एज इट इज उसमें से बहुत सारी अनडाइजेस्टेड फूड की पास ऑफ की बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के सो अगेन वो फैट की फूड में स्टोर होना शुरू हो जाए। हमें ये कॉमन प्रैक्टिस करनी पड़े खाने से पहले पानी पीने। ये तो मैं आपको ईटिंग हैबिट्स के बारे में सिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक्सरसाइजेस के बारे में ये एक तो अपनी ईटिंग हैबिट करने की सबसे ये सुनत भी है दोपहर का खाना आप उससे थोड़ा लाइट और रात पर बिल्कुल ही लाइट सो दैट के जब तक आपके हॉर्मोन्स आपके बॉडी के आपके जितने सिस्टम कंडीशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो आपके सिस्टम के ऊपर जाना आए तो उसको इतनी ही मिकदार फूड की रात ही मुझे डाइजेस्ट कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि पानी आप खाने से पहले के बाद ना तीन डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना प्रॉपरली हजम हो सके। सो इसके जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइजेस में ट्राई करूँगा। नॉर्मली हमारे यहाँ पे बेली फैट को कम करने के लिए एब्स पे फोकस है, जबकि रिकमेंडेड बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हैं कि आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करें, फंक्शनल ट्रेनिंग करें। आप यूट्यूब के तो जब आप फंक्शनल को सर्च करेंगे या आप इसके अलावा एरोबिक्स को सर्च करेंगे तो उसमें जो वर्कआउट्स आएंगे उनसे ये फैट लॉस होगा। ऑन दी अदर पहली फैट आपकी स्पेसिफिकली अगर बात की जाए और अगर आप एब्स के वर्कआउट एब्स के वर्कआउट से फैट पहले जल्दी रिड्यूस होता है जितना बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने से होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आज मुझे उम्मीद है कि आसिफ को भी उनके सवाल का बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल आंसर जो वो मिल चुका है। इसके साथ साथ मेरे पास एक और क्वेश्चन था, वो मोहम्मद यासीन का है। वो कह रहे हैं कि 45 मिनट डेली वॉक इज इफेक्टिव टू रिड्यूस वेट। जी 5 मिनट्स की एक्टिविटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपकी बॉडी टाइप की है, आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बॉडी वेट कितना है, हम उससे इसको डिफाइन कर। अभी बात करें जो सेडेंटरी लिविंग लाइफस्टाइल के लोग हैं, सो 45 मिनट से 75 मिनट्स का जो वर्कआउट है ये इनफ होता है एक नॉर्मल जॉब बंदे के बंदे या नॉर्मल रूटीन पर काम करने वाले इंसान। तो स्टूडेंट्स बिगिनर्स के लिए तो आपने कोई रैपिड रिजल्ट गेन करना है या आपका अगर फिटनेस लेवल आपको 2000 मिनट की एक्टिविटी करते हुए हो गए हैं तो फिर आपको उसकी इंटेंसिटी और डेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना सो दैट आपकी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज प्लेट्यून आए। एक्सरसाइज प्लेट्यून ये है कि जब आप एक महीना तीन महीना एक सेम रूटीन को फॉलो करते हैं एक सर्टन बार आपकी बॉडी में अल्ट से नाम कर देती है सो जाते हैं आपके रहते हैं। उस वक्त आपके अपनी बॉडी कंडीशन लानी होती है के अंदर और ड्यूरेशन के अंदर ताकि वो बॉडी एक जगह पे हो और वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने का जो फैट लॉस का अमल है या वेट गेन करने का अमल है वो दोनों आपके रेगुलर लेवल के ऊपर 45 मिनट्स का वर्कआउट ऑल टुगेदर एक घंटे सवा घंटे का वर्कआउट रिक्वायर्ड होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से मोहम्मद यासीन को एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि उनको भी उनके सवाल का बहुत अच्छे से जवाब मिल चुका होगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हम डाइट की बात करते हैं, वेट लॉस में डाइट का एक बहुत बड़ा संगठन रोल है, मेजर रोल है, लेकिन रोल की अगर हम बात करें तो उसमें लोग खुद से ही स्टार्ट कर देते हैं अपने डाइट प्लान खुद से, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो डाइटिंग पे चले जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो उसके लिए डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए। जी ये सवाल है आपका डाइट का। आपने सुना होता है कि 85% ग्रोथ आपकी बॉडी में डाइट का होता है 25% एक्सरसाइज का होता है और ये हार्ट ठीक भी है। चाहे आपका वेट कम करना है चाहे आपने वेट बढ़ दोनों सूत्रों में आप अपनी डाइट को पोस्ट करना वेट लॉस के लिए फैट लॉस के लिए जो डाइट रूटीन रिकमेंड जिस तरह से है कि आपको अपने ब्रेकफास्ट के अंदर
हेल्दी फूड लेने की जरूरत है, बेस कर बेस करते हैं डाइट को हमारे यहाँ पर ना, फिर नॉर्मल पर्सन जो नाश्ते के अंदर चने चने सेम पाए और इस तरह की चीज़ें इन मिस करें, आप करें आप एग वाइट्स के साथ, ऑमलेट के साथ, ब्रेड के साथ, जो रात का बचा वक्त आप उसे भी कर सकते हैं इसको। तो ये चीज़ है। दूसरे अपने अपने सेकेंड मील की तरफ आते हैं, अपनी डाइट के अंदर सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा उबली भी सबली भी सब और तेल का इस्तेमाल है आप अपने देसी घी के साथ, खीर सब पूरी चीज़ किनोला ऑयल है ये आपकी बॉडी में फायदे पहुँचते हैं। इनका इस्तेमाल कम से कम उबली का इस्तेमाल बिल्कुल आपने बताया कि जैसे अभी आप जितने लोग अपनी क्रैश डाइटिंग की तरफ आ जाते हैं तो उसका कोई फायदा भी बेनिफिट नहीं है। उससे वेट लॉस होगा लेकिन फैट लॉस मैस भी आपका ड्रॉप होगा, बॉडी लॉस भी होगा। चाहिए कि आप अनहेल्दी फूड को रिपेयरिंग फूड के साथ हर तीन चार घंटे बारह कुछ ना कुछ, लेकिन आप क्या खा रहे हैं कंसिडरेबल फैक्टर है। आप इसके पास ग्यारह बजे के करीब आप कोई स्नैक फ्रूट्स का या कोई सिंगल फ्रूट ले सीज की तरफ फोकस करें। फिर उसके बाद का मील है आप उसमें रोटी ले सकते हैं, साथ में आप थोड़ा सा चिकन का पोर्शन ले देंगे खाकर जिसमें ऑयल कॉन्टेंट ये चीज़ आ जाती है। फिर इस हमने आप जिसके पास कॉर्न है आपको माल करें और इसका इस्तेमाल जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अवॉइड करें, चीनी का इस्तेमाल कम। फिर इसके बाद आपका खाना आप उसको लाइट रात के खाने में आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जिस तरह सर्दी है सब फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं आप फिश 100 to 150 ग्राम का खाएँ, साथ में आप हलेंगे या एक रोटी ले पाती ले लें। ये वो चीज़ें हैं, ये वो डाइट है। जितना आप नेचुरल डाइट ऑर्गेनिक डाइट के ऊपर रहेंगे उतना ही जल्दी आपका वेट के चांसेस है। और रिप्लेस करें इसको ऑयली चीज़ों को, फास्ट फूड को अवॉइड करें। आप हमें एक दफा अपनी मर्जी का खाना, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी को नॉर्मली मूड शोर करने के लिए आपको फैट की जरूरत होती है। सो वंस इन अ वीक आप अपना मील ले सकते हैं, आप बाहर जाएं आप पिज्जा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी वंस इन अ वीक डेली बेसिस पे आप इस एक्टिविटी को अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ जहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं ताकि हम अपने कैसे उन सवालों के जवाब ले सकें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आपसे उसका आंसर चाहूँगी। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहे हैं कि उनकी हाइट 5.9 है और वेट 84 है, इज इट गुड? चौधरी शाम का क्वेश्चन है हमारे पास। तो 5'9" हाइट है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका आइडियल वेट है दैट इज बिटवीन 70 to 75 kgs। सो अगर EMI के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये ओवरी कोड के अंदर कैटेगरी, ठीक है शायद इनकी बॉडी ओवर वेट ना, लेकिन स्लाइटली ओवर वेट के अंदर आएंगे। सो मेरी इनसे राय क्या बताया कि आप अपना BMI करें, आपके पास सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है, आप गूगल्स करेंगे आप करेंगे आप कैलकुलेटर में होते आप उसके ऊपर अपना कैलकुलेट करें, ये जो हाइट एज वेट एज डालेंगे उसके अंदर वो आप इतना तो आप डिफाइन कर सकते हैं ओवरवेट है। फिर उसमें आपको डिफरेंट चार्ट्स की आइडियल वेट और ये चीज़ें आ देंगी। तो एज एक्सपीरियंस है बेस पे इनका रेट है वो 70-75 की चीज है। तो आप 100% एक्यूरेसी के लिए या अपने इसमें इस कंफर्म इंफॉर्मेशन के लिए आप अपना बिहेवियर करें, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हमारे पास और भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो बता रहे हैं कि हमारी एज इतनी है और हमारा वेट इतना है तो क्या वो ठीक है या नहीं। तो उन सबके लिए सबसे बेस्ट, वैसे तो आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सब
यूज करते ही होंगे, लेकिन इसमें यह कि अगर आप लोग गूगल पे जाकर सिर्फ बीएमआई कैलकुलेटर खोलें और वहाँ पे अपने जो एज और वो अपनी हाइट वगैरह अपनी वेट और हाइट मेंशन कर देंगे तो आपको आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना करेक्ट है वो वेट होना चाहिए, उस हिसाब से आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे एक और करना चाहूँगी, वो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बारे में है कि अगर हम बात करें जेंडर बेस मतलब कि फीमेल्स और मेल्स, तो इनके क्यों बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो अगर हम वेट लॉस के बारे में बात करें तो क्या इनके नुकसान और फवायद भी डिफरेंट होंगे? जो फवायद हैं वो कलेक्टिवली मेल और फीमेल्स में ज़्यादा खास फर्क नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता जो हैं वो दोनों के कुछ डिजाइन हैं डिफाइंड है। जब आप मेल साइड में अगर आप वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस का मकसद ये है कि आपकी बॉडी को रिड्यूस वाटर लॉस मसल लॉस भी हुआ, इस पर नुकसान आते हैं एक तो आपको स्ट्रेंथ बॉडी की लूज मेल साइड के आपकी स्ट्रेंथ कम रहती है, क्रैम्प पड़ते हैं, डिहाइड्रेशन होती है बॉडी के अंदर, आपको डिजीनेस फील होती है, ठीक है, और अब ड्यूरेशन तक रहती है वो जॉन्डर सकती है। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं मेल से। और अगर उसकी तरफ जाती हैं उसकी डाइट नहीं ले और उसने अपना वेट लॉस ट्रेनिंग किया अपनी बॉडी को, सो मसल क्रैम्प उनकी बॉडी के दो मेजर इशूज हैं वो हार्मोनल बैलेंस के लिए क्या फाइट पर हमारे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें दो चार जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसमें थायराइड का हमको प्रॉब्लम आ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ हैं इनका सामना करना, विशिष्ट ओबेसिटी सिंड्रोम का इशू है, ये कुछ मेन और कंसिडरेबल हार्मोन प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर हम बात करें बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं सिर्फ वॉक ही काफ़ी है वेट लॉस करने के लिए, तो सबसे पहली बात तो हम मुझे आप ये बताइए कि क्या वेट लॉस करने के लिए वॉक काफ़ी है, और अगर वॉक की हम बात करें तो लोग समझते हैं कि वॉक जो हम नॉर्मल वॉक कर रहे होते हैं ना उसी पेस से अगर हम वॉक करेंगे तो वही ठीक है हमारे लिए, उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो एक तो आप ये बताएं कि अगर आपने वॉक करनी है तो वो किस रफ्तार से करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, जॉगिंग होनी चाहिए, रनिंग होनी चाहिए, और क्या ये अगर हम बात करते हैं वॉक की तो क्या खाली वॉक ही काफ़ी है वेट लॉस के लिए? वॉक जो है इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग प्लान और आपकी परसेंटेज का सा हिस्सा है, और सिर्फ वॉक करने सर्टन टाइम आपको बॉडी को इफेक्ट को मिलेगा, लेकिन उसके बाद रिजल्ट को यूज करना बंद करना बंद कर, क्योंकि मैंने कुछ देर एक वर्ड यूजर्ड एक्सरसाइज प्लेट्यू का, ठीक है, उससे मतलब भी ये कि आपकी बॉडी के रिजल्ट स्टैगनेंट हो जाते हैं जगह पे, उसकी वजह ये होती है कि आप एक ही एक्सरसाइज को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं तो एक सर्टन टाइम तक आपको रिजल्ट मिलेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी प्रोड्यूस करना कम कर देती है और एक सर्टन टाइम के बाद वो ख़त्म कर देती है। आप वॉक कर रहे हैं तो मेडिकेशन लाने की जरूरत है, आपने भी जिस तरह विकेट हुआ है आप थोड़ा सा वॉक करें रिस्क वॉक से आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं रनिंग की तरफ, फिर रनिंग से आप दोबारा वॉक आए फिर ब्रिस्क वॉक की तरफ आए, तो कंटिन्यूस चेंज ऑफ जी व्यूअर्स हमारे साथ हमारे किस वहाज है हमें बता रहे हैं जी वहाज कंटिन्यू करें प्लीज जी। तो कंटिन्यूस चेंज जो है एक्सरसाइज आपकी बहुत जरूरी है, और इसके अलावा रिकमेंडेशन कि आपके आम तरफ एक्सरसाइजेस पे रिलाई फॉर सेल्फ वॉक पर आप जो कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं वेट ट्रेनिंग की कुछ एक्सरसाइजेस हैं कुछ स्क्वाट्स हैं
आप इनको भी करें, फीमेल्स और मेल्स और मेल्स दोनों को सजेस्ट करूँगा। फिर आप अपनी बॉडी से फूल की तरफ उठते हैं तो जहाँ बॉडी से फैट डिपॉजिट्स रिमूव हो, आप उनको मसल के साथ जरूर रखें। नॉर्मली ये देखें जब फैट लॉस करते हैं फीमेल को उनकी बचनास करना शुरू हो जाए और फिर वो ट्रेनर से कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं आ रहे हैं बिल्कुल कुछ इलाज करें, फिर हम उसके बाद हम उनको बिलवाते हैं दुवाते हैं। ये भी गाइडली देखिए आपके आप अपनी हार्ट लॉस की ट्रेनिंग के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करें ताकि आपको बॉडी के लिए सिर्फ किसी भी साइज पे आपको लाइन आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है और ये इतना अच्छा तरीके से हम लोग मोटिवेटेड अगर आप वॉक करेंगे एक दिन दो दिन तीन दिन आप करेंगे आप बोर होना शुरू करेंगे। सो एक्सरसाइज ये भी है कि यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड रहें। बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ जहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है वो मैं लेती चलूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है रमजान आकाशा का, वो कह रहे हैं कि इस जिम बेटर फॉर हेल्थ। उसी यहाँ पे हमारे पास एक मिथ भी आता है। अब वो मिथ ये है कि मशीन से, अब मुझे नहीं पता है मिथ है क्या, ये अब आप क्लियर करेंगे कि हम मशीन से जो एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत जल्दी हमारा वेट अगर हम छोड़ देते तो वेट डबल होकर वापस आता है, तो इस बारे में भी थोड़ी हमें बता दें और इनका जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर कर दें। ये अगेन इटसेल्फ बहुत लंबी डिबेट है, बहुत डिबेट है और जो दो चार मिनट में कोशिश करूंगा इसको कम फास्ट में फास्ट कर सकती। जिम डेफी आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको एक कंट्रोल में आपको आइस करने का और जिस तरह देखोगे गर्मी होती है अगस्त का मौसम आता है बरसात के मौसम होते हैं उसमें बाहर की इन्वायरमेंट इतनी सूटेबल नहीं है एक्सरसाइज के लिए। सो जिम के अंदर आपको ये बेनिफिट है कि अंडर कंट्रोल टेम्परेचर आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं और यहाँ पे आपको वैरायटी इस और आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाती है जिसकी वजह से आप जल्दी रिजल्ट पोजिशन में आते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज करने से बड़ी जल्दी बॉडी को जो रिजल्ट गेन किया था वो वापस आ जाता है। देखिए मैंने अभी इसके स्टार्ट में शेयर किया था देर इज़ कट फॉर एनी थिंग। ठीक है अगर आप 3 साल 4 साल 4 साल लगाए हैं अपनी बॉडी हिट को गेन करना उसको रिड्यूस कर रहे हैं बस को सिक्स मंथ्स से लेकर एक साल तक दें तो अगर दो तीन महीने डेस्परेट मूव करके कटिंग करके ओवर ट्रेनिंग करके अपना फैट लिया तो वो जिस स्पीड था वो स्पीड से वापस आए। ठीक है आप एक्सरसाइज छोड़िए। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने ट्रेन से लेकर अब तो वो उतनी जल्दी वापस फिर दोबारा से पूरी तरह चेंज नहीं करना। ठीक है बॉडी टाइप चेंज करना जिन्हें अभी थी एक्टोमॉर्फ्स मेसोमॉर्फ्स। ठीक है एक से दूसरी बॉडी टाइप को चेंज कंप्लीट करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स लग जाते। सो ये लोगों को रिकमेंडेशन कि आपके मानकर अगर छः महीने से लेकर एक साल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं चेंज है तो उसके बाद आपका जल्द दोबारा उस नहीं आएगा जहाँ पे पहले। सो सम अप इसको इस तरह कि आपने जो भी रिजल्ट है अपने जिम में 6 मंथ एक वन ईयर तक के जेम में रखिएगा तो पहला आपकी जो है या ये मिथ है ये खत है जाएगी आप जाएगी आप क्लियर हो जाएगा सर। बहुत शुक्रिया आपका आवाज़ और मुझे उम्मीद है कि रमज़ान को उनका जो है क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं वेट लॉस के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सप्लीमेंट जो है वो बेहतर हैं या नहीं है, इनका नुकसान है या क्या है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? लोग ये मीन्स यूज सप्लीमेंट्स इनटेक करते हैं और उससे अपना फैट लॉस करते हैं
ये जो फैट लॉस सप्लीमेंट सप्लीमेंट्स है जो इसका मकसद आप में कैफीन लेवल या आपकी उसको रिलीज करना है, उससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिलीज हो जाती है आपको फास्ट जो मेरे नज़दीक पॉजिटिव नहीं नेचुरल रिसर्चेस भी जो है इस फैट लॉस के लिए सप्लीमेंट भी एक ले मेंटेन के लिए या एक सही लाइफ स्टाइल के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं वो मेरे बॉडी बिल्डर्स के लिए या उसके लिए इसके लिए जिन्होंने अपने कंपटीशन के लिए अपना वेट रिड्यूस के बंदे के लिए डाइट पे वो जितना रिलाई करेगा उतना ही बेहतर है। सो वेट लॉस एलिमेंट्स रिकमेंडेड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप नेचुरल जिसको कंसिडर आपकी बहुत सारी चीज़ें अब जो लेमन है जो फ्रूट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है फैट लॉस का। सो अगर आप भी सभी फसल के मौसम में कुछ फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं फॉर्म में सब्जी की फॉर्म में ग्रे फ्रूट की फॉर्म सो ये नेचुरल फैट बन इनका इनका रोल ज़्यादा इन्वॉल्व सो ये नेचुरल सप्लीमेंट्स है अपना रोगे हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो जो प्रोसेस सप्लीमेंट्स भी रिकमेंडेड साइड इफेक्ट्स। बहुत शुक्रिया आपका आवाज। अब हम चलेंगे अपने सेशन के इख्तिताम की तरफ और इख्तिताम पे मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, वो ये है कि अगर हम वेट लॉस की बात करें तो सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को फॉर वेट लॉस? उसमें सबसे पहली चीज ये है ईटिंग्स को इम्प्रूव को छोटे मील्स लें और दिन में ज्यादा से अपने 4 से 5 मील अपने डेली फूड ऑयल है इसको कम से कम इस्तेमाल करें। ऑयल ग्रे और बेग ये तीन फॉर्म्स में फूड टेक करें। फिर इसके एक्सरसाइज रूटीन लाइफ स्टाइल में जरूर इन्वॉल्व करें डेली बेसिस पे। एक घंटा सवा घंटा अपने लिए आराम से करें और ये है इनके लिए आप ट्रेनर्स कंसल्ट करें, आप उनसे सवाल करें। जो लोग जिम्स में जाते हैं डू नॉट एवर फील शायद सवाल करते हुए पूछेंगे तो आपके सवाल आपके जवाब। और इसके अलावा ये कि जिस तरह मैंने शेयर किया आज की वीक पे या डेली बेसिस पे 4 से 4 जरूर निकाला सोशल मीडिया पर या गूगल के ऊपर जो सर्च इंजन हैं इनके ऊपर वो उनको डेली में इनपुट करें तो कुछ ईटिंग उसको थोड़ा सा बेहतर। और इसके अलावा स्लीपिंग है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव पे सोएं और तीसरी चीज आपकी एक्सरसाइज है जिस पर चलते फिरते रहें। हरकत में बरकत है ये एक बड़ा कॉमन फ्रेज है तो ये बड़ा कुछ एक्सप्लेन आप चलते फिरते रहें कोशिश के मोड ऑफ ट्रेवल तो रहे आपका वॉक साइकिलिंग करें तो फिट भी रहेंगे और फैट जैसी मोटापे जैसी बड़ी बीमारी हमेशा दूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वहाज, आपने हमारी तमाम क्यूरीज बहुत अच्छे से क्लियर की, ना सिर्फ मेरी बल्कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्यूरीज भी बहुत अच्छे से क्लियर की। बहुत शुक्रिया आपका अपने मसरूफ़ वक्त से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमारे लिए जो है हमारे साथ ज्वाइन किया, हमें सेशन में हमें क्वेश्चन कमेंट किए अपने क्वेश्चन और हमें जो इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प आउट किया। और अब मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच वहाज वंस अगेन। अब मैं आप लोगों को जो है यहीं पर वेलकम यहीं पे हम इस सेशन को एंड करेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हाजिर होंगे फिर मज़ीद किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी इंफॉर्मेटिव सी इंफॉर्मेशन के साथ और अपने नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।